नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 26वां दिन है और 26वें दिन में हमने फार्म को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है कर्टन से पूरा पैक कर दिया है। हमने थोड़ा सा जो है मेंटेनेंस का काम करवाया था, जहाँ जहाँ से एयर लीकेज की जो समस्या थी उस समस्या को थोड़ा सा दूर किया हमने, क्योंकि जो तूफान के कारण जो है कर्टन जो पूरी तरीके से इस प्रकार से नीचे ऊपर होके पूरी तरीके से फट गया था। जहाँ जहाँ पे हमने जो है धागे से सील रखा था वहाँ से जो है थोड़ी गैप बन गई थी, उसके कारण जो है हमें अगर हम वहाँ से पास से अगर निकल जाएं तो हमें अलग ही फील होता था कि यहाँ से एयर लीकेज हो रही। तो दोस्तों वो कल जो है मैंने वो सारे काम करवा दिए। अब वो सारे काम करवाने के बाद में जो है एक जो मुख्य कारण जो था कि हमने इतने दिन से जो है, चूंकि मेरा टारगेट था कि मैं 15 दिन तक फार्म को ओपन रखूंगा, उसके बाद में मैं फार्म को पूरा इसी पे डाल दूंगा, किंतु हुआ क्या कि मेरा जो जनरेटर है उसका जो रेडिएटर है वो 2 बार लीकेज कर गया। तो अब जान होता क्या है कि अगर मान लो लाइट चली जाए तो अब जनरेटर को जो है अब ज़्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जनरेटर अगर रेडिएटर लीकेज रहेगा तो जनरेटर की गैस किट फट सकती है, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा समस्या हो सकती है। दोस्तों इसके कारण जो है मेरा जो काम थोड़ा सा लेट हुआ। तो दोस्तों 26वें दिन जो है आज मैंने पूरे फार्म को पूरा पैक कर दिया है। आप देखिए देख सकते हैं जहाँ जहाँ से जो है अब और जो छोटी छोटी जो जगह है वहाँ पे मैं डबल कर्टन लगा दूंगा। चाहे फटा हुआ कर्टन है किंतु अगर ओवरलैप अगर हो गया तो वहाँ से जो है फार्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि फार्म पूरा पैक होने के बाद में बर्ड जो है किसी भी प्रकार से पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यही है इसी फार्म का फ़ायदा कि बर्ड पेंटिंग भी नहीं करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पेंटिंग करता है, ऐसा भी नहीं कि इसी फार्म में बर्ड पेंटिंग नहीं करता है, किंतु अभी जो है बाहर गर्मी भी है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, उसके बावजूद भी जो है फार्म के अंदर मोमेंटम बना हुआ है हवा का और बर्ड जो है बढ़िया तरीके से बैठे हुए। इस बार आज जो है मैंने दाना नहीं डाला, उसका कारण ये था कि आज बहुत तेज़ धूप थी और तेज़ धूप होने के कारण और फार्म भी मैंने ओपन नहीं कर रखा था, क्योंकि मेरा जनरेटर का मेरा काम अभी कंप्लीट हो गया। अब उसके कारण जो मैंने उसके बाद में जो मैंने पूरे फार्म को पैक करवा दिया। दोस्तों इसी फार्मिंग में आप सभी जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया कि लाइन इंटरप्शन में की कंडीशन में हमें जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है और लाइन इंटरप्शन जो है बारिश के समय में थोड़ी देर में तो हवा चलने लग जाती है और लाइट बंद हो जाती है। हमारे एमपी में तो ऐसा है कि अगर चील भी अगर मुंह देगा तो भी एमपी में लाइट बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये इसके कारण जो है मैंने बिना जनरेटर के जो फार्म को इतने दिन तक जो है ओपन रखा था, किंतु दोस्तों आज मेरे साथ में थोड़ा सा जो है एक इंसिडेंट ये हुआ कि देखिए मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई। मोर्टलिटी टोटल जो है आज ये दोनों वैसे दोनों दिन की है, आज और कल 2 दिन की है, किंतु 2 दिन में कभी भी मेरे फार्म में जो है 5 मोर्टलिटी 2 मोर्टलिटी 3 मोर्टलिटी से ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं हुई, किंतु दोस्तों आज और कल में जो है करीब करीब 20 मोर्टलिटी के आसपास हो गई। दोस्तों ये कल की है और ये आज की है। दोस्तों उसका कारण ये है कि बहुत तेज़ धूप थी और मैं जो है फार्म जनरेटर का काम करते करते मुझे जो है करीब 2 घंटे के आसपास मुझे लग गया। तो अब तेज़ धूप में जो है मैं कर्टन को जो है फार्म को पूरा पैक नहीं किया, पैक नहीं होने के कारण जो है मोर्टलिटी इतनी हुई। इन मोर्टलिटी में वैसे तो जो है 8-10 बर्ड तो जो है बहुत छोटे हैं और वो लंगड़े लुड़े भी हैं, किंतु 10 मोर्टलिटी जो है आज जो है आप इसको हीट स्ट्रोक से मान सकते हैं। दो देखिए दोस्तों कुछ बर्ड को जो लंगड़े लुड़े हैं उनको तो मैंने जो है अलग ही रखे हैं, किंतु देखिए दोस्तों ये जितने भी बर्ड जो हैं जो अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, अधिकतर देखिएगा दोस्तों कि हीट स्ट्रोक के कारण ज़्यादा ही बर्ड मरेंगे, बड़े ही बर्ड मरेंगे, आपको छोटे बर्ड जो है नहीं मरेंगे। जैसे कि ये अब ये तो खैर जिंदा ही है, किंतु ये पता नहीं कितने दिन से छुपा हुआ था, इसको भी मारना जरूरी है। तो दोस्तों एक तो हमें ये मैंने आज के दिन में किया कि जितने भी लंगड़े लुड़े बच्चे थे उनको सबको इकट्ठा करके और मार दिया और हीट स्ट्रोक से भी मोर्टलिटी हुई। तो दोस्तों उसका जो मुख्य कारण यही है कि मैंने फार्म को जो है क्योंकि अब 4500 बर्ड डले हुए हैं, अगर 3500 बर्ड डले हुए रहते तो ओपन फार्मिंग में कोई समस्या नहीं, किंतु आज 26 दिन हो गए, 26 दिन में भी अगर हम फार्म को अगर ओपन ही रखेंगे तो दोस्तों अब इसी फार्म को अगर आप ओपन रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको रिजल्ट जो है ओपन फार्म के जैसा ही मिलेगा। अब ओपन फार्म में अधिकतर क्या होता है कि इस एज में जो है 25-26 दिन के बाद में ही मोर्टलिटी जो है गर्मी के कारण मोर्टलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यही एक्सीडेंट मेरे साथ में हुआ। खैर वो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि मैं जो है जनरेटर के कारण जो है फार्म को इसी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अगर लाइट को फार्म को पूरा क्लोज कर दूं और मान लो लाइट चली जाए आधे घंटे के लिए, अब फिर पर्दे वापस वो ये करो तो उस कंडीशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था और ज़्यादा मोर्टलिटी होने के चांसेस थे। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई सी गलती नहीं करता हूँ, गलती सभी से होती है और आपको मैंने लाइव भी बता दिया कि एक गलती का जो है रिजल्ट भी हमें जो है बहुत ही नेगेटिव मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए ये 20 बच्चे जो करीब करीब मेरे 10 दिन की मोर्टलिटी
होनी चाहिए थी जो आज मतलब टोटल जो मोर्टलिटी हुई दो दिन में, ये मोर्टलिटी मेरी 20 दिन की मोर्टलिटी है कि 20 दिन में मतलब क्योंकि मेरे जो मोर्टलिटी होती थी एक एक दो मोर्टलिटी हो रही थी, अब एक दिन में जो है दो दिन में जो मुझे करीब 20 मोर्टलिटी हो गई दोस्तों। ये जो है मेरा जो नुकसान जो है ये इसी जनरेटर के कारण हुआ। तो दोस्तों आप भी अगर इसी फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले जैसे ही बेच निकले तो आपको जो है जनरेटर का काम व्यवस्थित तरीके से कर लेना है, और अगर आप इसी फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं और इस प्रकार से अगर आपको नुकसान नहीं उठाना है तो दोस्तों आपको जो है जनरेटर चाहे वो हैंडल वाला रखें, चाहे पुराना रखें, चाहे बस यही कि चल्लू मोड में रखें और जब हमें ज़रूरत हो तब वो चल्लू हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।